लोकप्रिय कथाओं के अनुसार एक शिकारी था थिम्मन। एक दिन शिकार के लिए जंगल गया। उन्हें वहां एक मंदिर मिला जिसमें एक शिवलिंग स्थापित था। थिम्मन के मन में शिव के लिए गहरा प्रेम उमड़ आया और वहां उन्होंने जो अर्पण करना चाहा वह समझ ही नहीं पाए कि आखिर क्या अर्पण करूं, क्योंकि ना वो शास्त्रों के बारे में जानते थे ना ही पूजा विधि के बारे में। उन्होंने भोलेपन में अपने पास मौजूद मांस को शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और खुश होकर चले गए, ये सोचते हुए कि शिवजी ने उनके चढ़ावे को स्वीकार कर लिया है। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था। उस मंदिर से वह कहीं दूर रहता था। हालांकि वह शिव भक्त था लेकिन रोज इतनी दूर मंदिर तक नहीं आ सकता था, इसीलिए वह सिर्फ 15 दिन में एक बार आता था। अगले दिन जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो शिवलिंग के बगल में मांस पड़ा देखकर वो भौचक्का रह गया, ये सोचते हुए कि यह किसी जानवर का काम होगा। उसने मंदिर की सफाई की, अपनी पूजा पाठ किया और शिवलिंग को शुद्ध कर दिया। अगले दिन थिम्मन शिकारी और मांस अर्पण करने के लिए आया। थिम्मन को पूजा पाठ के बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो शिवलिंग के सामने बैठ के अपने मन की बातें किया करता। एक दिन उसने मंदिर की सफाई करनी चाही पर उसके पास कोई बर्तन नहीं था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो पास के झरने से पानी कैसे लेके आएगा, इसीलिए वो अपने मुंह में पानी भर के ले आया और शिवलिंग पर अपने मुंह से ही पानी निकाला और उसे अर्पित करने लगा। जब ब्राह्मण वापस मंदिर में आया तो शिवलिंग पे थूक और मांस चढ़ा हुआ देखकर वह बहुत क्रोधित हो गया और समझ गया कि ये किसी जानवर का काम नहीं है बल्कि किसी एक इंसान का काम है। उसने मंदिर को साफ किया, शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़े और फिर पूजा पाठ करके घर चला गया, लेकिन हर बार आने पर उसे शिवलिंग उसी अशुद्ध अवस्था में मिलता। एक दिन उसकी आंखों से आंसू भर आए और उसने शिवजी से पूछा, हे देवों के देव, आप इतना अपमान क्यों सह रहे हो? शिवलिंग से तभी आवाज आई, जिसे तुम अपमान मानते हो वो एक दूसरे भक्त का अर्पण है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ, वो जो भी अर्पित करता है मैं स्वीकार करता हूँ और वो भी खुश मन के साथ। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो पास के कहीं झाड़ियों में जाकर छुप जाओ, वो आने ही वाला होगा। ब्राह्मण एक झाड़ी के पीछे छुप जाता है। थिम्मन शिकारी मांस और पानी के साथ आया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि शिव हमेशा की तरह उसका चढ़ावा स्वीकार नहीं कर रहे। उसने शिवलिंग को करीब से देखा तो पाया कि लिंग की दाहिनी आंख से कुछ रिस रहा है। उसने उस आंख में जड़ी बूटी लगाई ताकि वह ठीक हो सके, लेकिन उससे रक्त निकलने लगा। आखिरकार उसने अपनी आंख देने का फैसला कर लिया। उसने अपना चाकू निकाला और अपनी दाहिनी आंख निकाली और लिंग पर लगा दी। रक्त टपकना बंद हो गया लेकिन थिम्मन उसकी आंखों से रक्त जल की तरह बह रहा था। लेकिन तभी उसका ध्यान गया कि लिंग की बाई आंख से भी रक्त निकल रहा है। उसने तत्काल अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए जैसे ही चाकू निकाला तभी वह रुक गया। उसे समझ में नहीं आया। उसे लगा कि अगर वो अपनी दूसरी आंख भी निकाल लेगा तो फिर वह शिवलिंग को कैसे देख पाएगा। तो उसने लिंग के दाहिने ओर पर अपना पैर रखा और अपनी आंख निकाल ली। उसकी अपार भक्ति को देखते हुए ब्राह्मण भौचक्का रह गया और शिव ने उसी समय थिम्मन को अपने दर्शन दिए और उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। उसकी अपार भक्ति को देखते हुए शिव ने थिम्मन को दर्शन दिए और उसे आशीर्वाद दिया। तभी थिम्मन शिव के पैरों पर गिर पड़ा। उसे कनप्पा नयनार के नाम से जाने जाने लगा। कनप्पा यानी कि आंखें अर्पित करने वाला और नयनार यानी कि शिव का भक्त। थिम्मन की भक्ति देखकर ब्राह्मण भी बहुत चकित रह गया और उसने आखिर में शिवजी से यही कहा, प्यार देना इसका पेशा है, इसीलिए तो यह आपके सबसे बड़े भक्तों में से एक है। थिम्मन ने भी कहा, प्यार देना मेरा पेशा है और यही मेरे महादेव का संदेशा है।